आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। कानपुर में 7 वर्षीय बच्ची का कलेजा खाने वाले को आजीवन हुई सजा। कानपुर के घाटमपुर में सन 2020 को एक बच्ची की हुई थी हत्या। करीब 3 साल पहले एक मासूम को बहलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और संतान प्राप्ति के लिए उसकी हत्या कर शरीर से कलेजा निकालकर खाने के मामले में दंपति सहित 4 दोषियों को पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 वर्षीय मासूम पुत्री 14 नवंबर 2020 को घर के बाहर खेलते समय कहीं गायब हो गई थी। अगले दिन उसकी लाश छत बिछत हालत में गाँव के बाहर खेत में मिली थी। आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कानपुर से ब्यूरो चीफ विनीत साहू की रिपोर्ट। आज फैसला आना है कोर्ट पे, क्या चाहते हैं आरोपियों को क्या सजा हो? जब सरकार चाहे तब करे, हमारी बिटिया का तमाम ही डर हो है ने। क्या कुछ हमका देखने का मिल जाता तो हमारी जी दुरा जाता। क्या हुआ था उस दिन, कैसे घटना हुई थी? अब हम कहा बताओ, हम कैसे करें, हुई जाना है, हम पंचे कहा जाना है, इसी खेलते रहा। हम आए तो कहा थे चच्चू हमको 10 रुपया दे, हम आज जा रही हैं पढ़ा कर, यही छिया खेलते रहा, मशीन गड़ी रहा है। अब बस यही छिया तो लेवा गए, जब पता ना मिलो कि कैसे लेवा गए, गोला छुरिया खूब छुटती रहा तो जानकारी। आज कोर्ट से फैसला आना है, क्या चाहती हैं कोर्ट क्या फैसला दे? अब जो कुछ उनका मर्जी हो तो कुछ करें। हमारे भगवान का काट काट कर खुद खून लगा है, तुम बनते कौन आ रहा हो? खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।